दोस्तों आपने कभी अपने फ्यूचर या पास्ट में टाइम ट्रेवल करने की सोची होगी? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में हम ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर ट्रेवल की बात करने वाले हैं कि आप अपने पास्ट या फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं, और हम उसमें उनके मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखिल और आप देख रहे हैं पॉक्सी टेक। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों बात करें हम पास्ट या फ्यूचर ट्रैवल टाइम ट्रैवल की, तो उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा पैराडॉक्स बताना चाहता हूँ। दोस्तों पैराडॉक्स एक टाइप के ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई भी तरीके से आंसर यानी जवाब नहीं होता है, क्योंकि वो आपके दिमाग को एकदम घुमा के रख देते हैं। दोस्तों मैं आपको जिस पैराडॉक्स की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। दोस्तों यदि इस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में ऐसा होता है कि आप अपने पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मार देते हैं, यदि आप अपने दादाजी को मार देंगे तो आपके पिताजी पैदा नहीं होंगे, और यदि आपके पिताजी पैदा नहीं होंगे तो मतलब आप पैदा नहीं होंगे। तो दोस्तों ये जो पैराडॉक्स है एक तरीके से आपके फ्यूचर पे सवाल उठाता है। तो दोस्तों इस वजह से ही आपका जो पास्ट में टाइम ट्रेवल है वो करना नामुमकिन है। तो दोस्तों इसी वजह से जो पास्ट टाइम ट्रेवलिंग का जो भी प्रिंसिपल और जो भी तरीके हैं वो सारे खारिज किए जाते हैं। तो दोस्तों जो अब बात आती है फ्यूचर टाइम ट्रेवल की, तो वो शायद हो सकती है। तो इसके लिए चार अलग अलग मेथड दिए गए हैं, और जिनमें से तीन मेथड सिर्फ आइंस्टाइन के ही हैं। तो दोस्तों जो पहला मेथड है आइंस्टाइन का, वो है वॉर्म होल के थ्रू ट्रैवल करना। तो दोस्तों वॉर्म होल क्या होते हैं? तो वॉर्म होल एक तरीके से ब्लैक होल और वाइट होल के मिलने से जो होल्स बनते हैं तो हम उसको वॉर्म होल्स बोलते हैं। वो एक तरीका है कि एक शॉर्ट रास्ता होता है जो कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की ओर लेके जाते हैं। तो दोस्तों इसके थ्रू हम शायद फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके समय का अंतराल है वो धीरे हो जाए पृथ्वी के बजाय। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसको जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे को ये नहीं पता है कि हम किस इस गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी यानी अननोन गैलेक्सी में किस में जा रहे हैं। तो हम वहाँ जाके शायद भटक भी सकते हैं, और इस वजह से हम फ्यूचर के हमारे ज़िंदगी भर का कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो पहला मेथड था। अब जो दोस्तों दूसरा मेथड आता है वो भी आइंस्टाइन का आता है। उनके अकॉर्डिंग यदि आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं तो आप अपने जो समय की रफ्तार है वो बहुत धीरे कर लेंगे बजाय पृथ्वी के। यदि ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने फ्यूचर को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई भी स्पीड ऑफ लाइट अचीव करवाना नामुमकिन है। तो दोस्तों यहाँ से ये दूसरा मेथड है वो खारिज होता है। जो अगला मेथड आता है वो आता है आइंस्टाइन का ही वापस। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि किसी भी जगह का जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है तो वहाँ पर आपका जो समय होगा वो बहुत धीरे होगा। तो दोस्तों अभी एग्जिस्टेंस में जो भी सबसे ज़्यादा धीरे जिसकी ग्रेविटी है वो है ब्लैक होल। यदि आप ब्लैक होल से बच के निकल गए तो आप शायद अपना फ्यूचर देख सकते हैं। लेकिन आपको यदि ब्लैक होल से बचना है, उसके होरिजन से होकर निकलना है, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट अचीव करना अभी हमारे बस की नहीं है, तो ये मेथड भी हमारे लिए अभी खारिज होता है। दोस्तों जो अगला मेथड एक अननोन थ्योरी है, उनके अकॉर्डिंग यदि आप किसी इन्फाइनाइट सिलेंडर के चारों तरफ यदि आप स्पीड ऑफ लाइट से घूमते हैं तो आप अपना फ्यूचर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे गड़बड़ बात यह है कि इन्फाइनाइट कोई नंबर नहीं है जिसको हम मेजर कर पाए, इस वजह से हम इस मेथड को भी खारिज कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें जो चारों मेथड पड़े, इनमें से चारों में से सिर्फ पहला मेथड जो वॉर्म होल वाला है शायद वो सही हो सकता है और वो पॉसिबल भी हो। लेकिन उसमें सबसे बड़ा ये खतरा है कि हम इस गैलेक्सी से कौन सी दूसरी गैलेक्सी में जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे को एकदम भी कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों जो टाइम ट्रैवल करना है फ्यूचर में, वो शायद आने वाले टाइम पर यानी आपके फ्यूचर में पॉसिबल हो पाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और साथ ही में आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।